गाइस वेलकम एंड नमस्ते। इस छोटे से गमले में आप देख रहे हैं, ये है हल्दी का पौधा। बहुत अच्छे से लग चुका है और इसके साथ ही इन कंटेनर्स में मैंने लगा रखे हैं हल्दी के कुछ और गांठों को, जिन्हें मुझे दूसरे कंटेनर्स में लगाना है। आज का वीडियो हल्दी पर है कि आप अगर हल्दी को गांठों से लगाना चाहे तो कैसे लगाएं और किस तरीके से उसकी केयर करें। वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। और चैनल पे नए आने वाले लोगों से रिक्वेस्ट है, मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हल्दी की गांठें लगाने के लिए आपको सबसे पहले चॉइस करना होगा हल्दी की गांठों को। बाजार से मिलने वाली कच्ची हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हो आप इसे उगाने के लिए। इस वक्त आपको काफी सारी गांठों पर शूट्स निकलते हुए भी मिल सकते हैं और अगर ऐसी हल्दी मिलती है तो आप उसे जरूर खरीदिए लगाने के लिए। मुझे खरीदना नहीं पड़ता गाइस, क्योंकि मैं हर साल जो हल्दी उगाती हूँ उनमें से कुछ गांठों को स्टोर कर लेती हूँ लगाने के लिए, और उन्हीं में से रखी हुई गांठों में सीजन होने की वजह से बिना मॉइस्चर किए शूट्स बनना शुरू हो चुकी हैं। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा इन हल्दी की गांठों को मैंने मॉइस्चराइज नहीं किया है, फिर भी इनमें शूट्स निकल रही हैं क्योंकि इनका सीजन अब शुरू हो गया है। बारिश होने का बेनिफिट ये मिलता है कि आप अदरक और हल्दी को बहुत जल्दी लगा सकते हैं। आप हल्दी की गांठों को डायरेक्ट लगाओगे तब भी वो लग जाएगी। कुछ गांठों को मैंने एक गीले न्यूज़पेपर में लपेटकर इस डब्बे में बंद करके रखा था खिड़की के पास। ये देखिए, उनमें न्यू शूट्स भी आ गए हैं और रूट्स भी बन गए हैं। चलिए अब मैं इसे अलग कर लेती हूँ। गाइज, इस वक्त आपको वेट करने की जरूरत नहीं है कि आप न्यूज़पेपर में कंटेनर में पैक करके हल्दी को रखें। आप डायरेक्ट इसे कच्ची हल्दी को मिट्टी में लगा सकते हो, कंटेनर में डायरेक्ट ही लगा सकते हो। बारिशें शुरू होने वाली हैं, कहीं कहीं पे काफी अच्छी बारिश शुरू भी हो गई है, सो इस वक्त आप इसे डायरेक्ट लगा दोगे तब भी ये लग जाएगी। आप कंटेनर के अंदर देख सकते हो कि हल्दी की जो गांठें हैं उन्होंने अपने आप को अच्छी तरीके से फिक्स कर लिया है। इसे निकालने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे खींचने की वजह से इसकी कोई शूट्स या रूट्स कोई टूटे। कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे इसे निकालने की कोशिश कर रही हूँ। एक बार ये बाहर आ जाए उसके बाद मैं आपको दिखा सकती हूँ कि क्या कंडीशन है इनकी। ये देखिए, चलिए ये तो बाहर आ गए। इनका न्यूज़पेपर मैं अलग कर लूँ क्योंकि इन्होंने काफी अच्छे से अपने आप को कवर कर रखा है। ये अब डायरेक्ट मिट्टी में लगाने के लिए रेडी है। हल्दी को लगाने के लिए सॉइल बहुत डिफिकल्ट नहीं है। 50% गार्डन की सॉइल, 40% वर्मी कंपोस्ट और 10% कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली सैंड, इन तीनों को मिलाकर मैंने बनाया है पॉटिंग मिक्स इसे लगाने के लिए। एक बात का आपको ध्यान रखना है गाइस कि इसमें कोई कंकड़ पत्थर नहीं आने चाहिए। जब भी आप कोई गांठों वाली या बल्ब वाली वेजिटेबल लगाएं तो अगर सॉइल में कंकड़ पत्थर ना हो तो अच्छा है, क्योंकि ऐसा होने से उनको रूट्स डेवलप करने में आसानी होती है। कंटेनर की अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक छोटा सा प्लास्टिक का कंटेनर। आप चाहें तो कोई भी साइज का कंटेनर ले सकते हो या अपने दूसरे पौधों के साथ भी हल्दी की गांठों को आराम से लगा सकते हो। इस एक गांठ को मैंने इसमें रख दिया है और अब मैं मिट्टी से इसे पूरी तरीके से फिल कर दूंगी। गाइज, हल्दी को लगाने के लिए आप डायरेक्ट जमीन में भी इसे लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रो बैग्स का इस्तेमाल भी आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपके पास कोई कंटेनर नहीं है और आप चाहते हो कि इसे आप प्लास्टिक मटेरियल वाले किसी बैग में लगाएं तो अब भी आप उसमें इसे लगा सकते हो। चलिए, हल्दी तो इसमें लग गई है और अब मैं इसमें थोड़ी सी वाटरिंग कर देती हूँ गाइज, क्योंकि मैंने इस गांठ को ह्यूमिडिटी से ग्रो किया है। इसमें जो लीफ बन रही है वो ह्यूमिडिटी से बन रही है, सो मैं इस कंटेनर को 3-4 दिनों तक शेड में ही रहने दूंगी, क्योंकि हल्दी के इस नाजुक पौधे को सीधी धूप लगेगी तो ये झुलस सकता है। उसके बाद जब ये डेवलप हो जाएगा फिर मैं इसे धूप में रख दूंगी और वहां ये आराम से ग्रो होगा। रेगुलर वाटरिंग करनी है, बट अगर बारिशें शुरू हैं तो वाटरिंग बहुत कम या संभाल के करें, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। बची हुई गांठों को टेरेस पे दूसरे पौधों के साथ लगाऊंगी। 8 दिन के बाद ये देखिए, ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ ले चुका है। बची हुई इन सभी गांठों को मैंने पानी में भिगो रखा है ताकि मैं इनको अपने टेरेस गार्डन के दूसरे कंटेनर्स के साथ ग्रो कर सकूं। उससे होगा ये कि एक ही कंटेनर में दो तरह का वेजिटेबल ग्रो भी होता रहेगा और एंड में नवंबर दिसंबर तक मैं इनको हार्वेस्ट भी कर सकूंगी। आज का वीडियो हल्दी पर था गाइस, आपको कैसा लगता है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। हल्दी से जुड़ी कोई और क्वेरी हो तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। चैनल पर नए आने वाले लोगों से रिक्वेस्ट है, मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।